हेलो दोस्तों, मैं सुजाता शर्मा, मेरे चैनल रसोई रत्न में आपका स्वागत है। अब होली आ रही है तो होली के सीजन पर हम कुछ ना कुछ घर में नई बनाते हैं नाश्ते टाइप के, जैसे दही बड़ा है, मठरी है। तो आज मैं इसी सीरीज में आज मैं बनाऊंगी दही बड़े, दही वाला बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं फिर रसोई की तरफ। अब मैंने दही बड़े बनाने के लिए ये ली थी 2 कटोरी मूंग दाल। इसको मैंने धो के वॉश करके अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इसका पानी निथार लिया है। और ये 1/2 कटोरी से थोड़ी ज़्यादा ये लिए मैंने उड़द दाल। वैसे इसका प्रोपोर्शन होता है 3:1 का। यदि आपको जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने तो 3 कटोरी मूंग दाल और 1 कटोरी उड़द दाल, लेकिन मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने 2 कटोरी उड़द मूंग दाल लिया और 1/2 कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा लिए मैंने उड़द दाल। नमक 1 चम्मच नमक है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। इन दोनों दालों को मैं बारीक पीस के इनका स्मूथ पेस्ट बनाऊँगी। चलिए तो फिर मैं अब दाल को पीसती हूँ। ये मैंने मूंग की दाल को पीस लिया। हमें इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बनाना है और कोशिश ये करें कि पानी ना डालना पड़े, और डालना पड़े तो बस 1/2 चम्मच पानी डालिएगा। इससे क्या है, पतली दाल से दही बड़े ज़्यादा बढ़िया नहीं बनते हैं। और मैंने इसमें साथ में 1 इंच अदरक का जो टुकड़ा था वो भी पीस लिया। अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब मैं इसके बाद उड़द दाल को भी पीसूंगी इसी तरीके से स्मूथ पेस्ट। मैंने उड़द दाल को भी पीस लिया है ऐसे बारीक पेस्ट, और मूंग की दाल को मैंने बिल्कुल बिना पानी के पीसा था। उड़द दाल थोड़ी सख्त होती है इसलिए इसमें थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इस चम्मच को भर के 2 बड़े चम्मच हैं इसको भर के पानी लिया था। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इस दाल को पीसिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। मैं इसको भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इसमें। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी, ये करीब 1/2 चम्मच नमक है क्योंकि हम बाद में भी डालेंगे। और ये बेकिंग सोडा, खाना सोडा कहते हैं, ये 1/2 छोटी चम्मच। इससे बहुत ही क्रिस्पी मतलब बहुत ही सॉफ्ट बड़े बन के तैयार होते हैं। कुछ लोग इसको दही बड़े कहते हैं, कुछ दही वल्ला कहते हैं, तो मैं इसको दही बड़े कहते हैं। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं इसको हाथ से फेंटूंगी, इतना फेंटना कि ये हमें एकदम वाइट कलर सा आ जाए। और हमें एक ही साइड फेंटना है, कभी ये नहीं कि कभी इधर, दोनों साइड नहीं हमें फेंटना चाहिए। हमें ऐसा, हमें दही बड़े की दाल है जो एक ही साइड फेंटनी चाहिए जिससे उसमें अच्छे से एयर बन जाए। अब मैं खूब अच्छे से इसको फेंट के तैयार करूँगी। अब आप मेरे हाथ की तरफ देखिए, मैं एक ही साइड इसको फेंट रही हूँ, और जितना अधिक फेंटेंगे उतने ही सॉफ्ट दही बड़े बनके तैयार होंगे। इसको फेंटने में मेरा करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं। मैं अच्छे से फेंटती हूँ उसको, जब तक बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाता है और बहुत दाल फेंट के हल्की हो जाती है। और इसका यही खूबी है कि जितना फेंटोगे उतने ही बढ़िया दही बड़े बनके तैयार होंगे। ये मुझे 15 से 20 मिनट हो गए दाल को फेंटते हुए। दाल फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, और हमें इसकी पहचान है कि हम इसको पानी में डाल के देखेंगे। यदि हमारी दाल नहीं बैठ रही है इसका मतलब हमारी ये परफेक्ट है, ये अच्छे से फिटी है, ये हमारी दाल अंदर पानी के अंदर नहीं बैठी है। अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने इसके लिए कढ़ाई ले ली है। मैं इसमें करीब 250 ग्राम तेल डालूंगी, और मैं सरसों के तेल में बड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी कुकिंग ऑयल में बना लें, लेकिन ये सरसों के तेल में बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अभी हमारी गैस ये फुल स्पीड पर ही है, फुल फ्लेम पे है। जब ये हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें बड़े आपको बताऊँगी किस तरीके से छोड़ने हैं। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बड़े छोड़ूंगी। इसकी यही पहचान है, आप दाल को जितना फेंटोगे उतने ही सॉफ्ट बड़े बन के तैयार होंगे आपके। मैं हाथ से बना रही हूँ, आप चाहो तो चम्मच की हेल्प से भी बना सकते हो। और हम इनको पलटते पलटते हुए सेकेंगे, साइज आप छोटा बड़ा अपने अनुसार कर सकते हो। अब इस तरीके से हम ऐसे इस पर तेल को डालेंगे, ऊपर की साइड भी इस पर तेल पड़ जाए, हम इसको पलटेंगे
बड़ों को। फ्लेम हमारी इस टाइम मीडियम हाई है। अब मैं इनको पलट पलट के चारों तरफ से सेकूंगी। अब ये मेरे पहले बैच के सिक रहे हैं, तब तक मैं दाल को और फैट लेती हूँ। और ध्यान रहे हमें दही बड़े की दाल हमेशा एक ही साइड फैटनी होती है, जिससे उसमें एयर अच्छी तरह से उसमें आ जाती है दाल में, और बड़े हमारे सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अब ये हमारे सिक चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। मैंने ऐसे ही निकाल ली हूँ, आप चाहें तो उसमें पहले टिश्यू पेपर लगा लें। मैं फटाफट से दूसरे बैच के भी डालूंगी। अब बड़ों का साइज आप छोटा बड़ा अपने इच्छा अनुसार कर रख सकते हैं। आप बड़ा बड़े थोड़े बड़े पसंद करते हैं तो बड़े साइज में बनाएं। हमें इस तरीके से पहले इसमें तेल इस तरीके से डाल लेना चाहिए ताकि इसके ऊपरी परत पर तेल आ जाए, फिर हमें इन्हें पलटना चाहिए। अब मैं इनको पलट रही हूँ, पलट पलट के इनको चारों तरफ से सेक लूँगी। हमें लगातार चलाते हुए हमें सीखने हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया इन पे। तरीके से आप दही बड़े बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब मैं इनको, अभी मेरे सीख चुके हैं, मैं इनको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। अभी हमारे बड़े सिक्के तैयार है, चलिए तो मैं इनको सर्व करती हूँ। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने। देखिए अब मैं इनको दही और सॉल्ट के साथ सर्व करूंगी। अभी हमारे दही बड़े बनके तैयार है, अब मैं इनको सर्व करती हूँ। इसके लिए मैंने एक चम्मच काला नमक लिया है, एक चम्मच भुना जीरा पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मीठी चटनी या सौंठ जो भी आप बोलें, और हरी चटनी। और ये बड़े बड़ों को हम गुनगुने पानी में 15 से 20 मिनट के लिए सोक करेंगे। ये इस तरीके से गुनगुना पानी डाल देंगे। और इसमें मैं एक पिंच हींग डालूंगी साथ में। थोड़ा सा नमक, इन्हें हम सोक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए।
ये मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे हमें 15 से 20 मिनट सोख करके रखने हैं, और मैं इनको ढक के रख दूँगी। और एक बैच मैंने तैयार कर रखा है, ये मैंने इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट। अब मैं इनको सर्व करूँगी, इसके लिए मैं अभी दही और तैयार कर रही हूँ। अब ये मैंने 1 कप दही ले लिया है और मैं इसमें बूरा डालूँगी, बूरा डालूँगी मैं 1 से 2 चम्मच। और मैं ऐसे बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लूँगी दही को। दही हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही मैंने इस तरीके से ये स्मूथ बीट कर लिया है। अब मैं सर्व करती हूँ। अब हम ये थोड़ा सा थोड़ा पानी दबा के इस तरीके से इस प्लेट में लगाएंगे। अब मैं इसके ऊपर दही डालूंगी। ये हरी चटनी इस तरीके से आप दही बड़े बना के देखेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जीरा पाउडर, बना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ा सा नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिए, क्योंकि हमने बड़े बनाते वक्त भी डाला था और उसको पानी में भिगोया था तब भी डाला था। थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये सौंठ, मीठी चटनी, ये दही बड़े की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसमें मीठी चटनी, हरी चटनी, जो भी चीज़ है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।